आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 150 डेज एक सिंगल हाउस के ऊपर। इस पूरे वर्ल्ड में दूर दूर तक इस हाउस के अलावा ना ही कोई आइलैंड और ना ही कोई स्ट्रक्चर स्पॉन होता है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए हमें इस हाउस के अंदर एक चेस्ट मिलेगी जिसके अंदर काफी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे एंड इस जर्नी को कम्प्लीट करते हुए हमारे कुछ टारगेट होने वाले हैं। पहला, आर्मर टीम के साथ फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर बनाना, अपने सभी जरूरत के फार्म बनाना, विलेजर्स के रहने के लिए एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग लेके आना, वेदर को मार के एक फुल्ली मैक्स बीकन बनाना, एंड सिटी में जाके दो इलाइट्रा को ऑब्टेन करना, एंड लास्ट भाई और मेरे रहने के लिए काफी ज्यादा बड़े से हाउस को बनाना। इन सभी चीजों को करने में हमें 150 दिन लग गए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। इस वर्ल्ड के अंदर आते ही भाई और मैं स्पॉन हो जाते हैं एक छोटे से हाउस के ऊपर जो कि एक विलेजर का हाउस लग रहा था। बट सवाल तो ये है कि इस वर्ल्ड में हाउस को छोड़ के बाकी की सारी चीजें कहाँ चली गई, वो तो फिलहाल हमें नहीं पता। बट हमें ये पता था कि अंदर एक चेस्ट रखी हुई है, तो फटाफट से हम दोनों अंदर जाकर उस चेस्ट को चेकआउट करते हैं जिसके अंदर से हमें वाटर बकेट और लावा बकेट के साथ साथ 2 स्टैक डर्ट मिल जाती है। चेस्ट के अंदर बाकी सब सामान तो ठीक है बट कुछ खाने के लिए नहीं था। लग रहा है इनका प्लान हमें पहले दिन में ही मारने का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितनी भी डर्ट होती है उससे हम आसपास का कुछ एरिया एक्सपेंड करते हैं जिससे कि हम यहाँ पर अपनी ट्री सैपलिंग वगैरह को प्लांट कर सके। देन साथ ही साथ यहाँ पे भाई ने एक ग्रास ब्लॉक भी लगा दिया था एंड उसके बाद मैं एक वाटर बकेट और आइस ब्लॉक का यूज करके इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाने लग जाता हूँ। और साथ ही साथ हमें जितनी भी चेस्ट के अंदर से ट्री सैपलिंग मिली थी उसको यहाँ पे प्लांट कर देते हैं। देन भाई यहाँ पर एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाते हैं। इसके बनने से तुरंत बाद इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि इससे घर में आग भी लग सकती थी। बट उतनी देर में हमारा इस प्लेटफॉर्म पे पहले ट्री भी ग्रो हो चुका था, तो फटाफट से मैं इसको कट करने लग जाता हूँ। देन क्राफ्टिंग टेबल बना के भाई और मेरे लिए एक वुडन पिकेक्स बना लेता हूँ और साथ ही एक पिकेक्स भाई को भी दे देता हूँ। देन साइड में हम दोबारा से अपना एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं और इस बार हम इसको डबल साइड का बनाते हैं जिससे हम एक बार में दोनों माइनिंग कर सके। देन उसके बाद पूरी रात हम कोबलस्टोन माइन करने का काम ही करते हैं। काफी देर की माइनिंग के बाद चेस्ट के अंदर जो शीट रखे थे उसे हम यहाँ पे प्लांट कर देते हैं क्योंकि भूख के मारे हम दोनों का यहाँ पे हाल हो रहा था। देन फटाफट से मैं यहाँ पे स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ एंड साथ ही साथ भाई को भी यहाँ पे कुछ स्टोन के टूल्स दे देता हूँ। स्टोन के टूल्स मिलने के बाद भाई तो ऐसे खुश हो रहे थे कि हमने डायमंड के टूल्स बना लिए हो। साले को बम से उड़ा दूंगा। देन सबसे पहले तो मैं घर के अंदर जाके अपनी बकेट को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी नूब हरकतों की वजह से वॉइड में गिर गया तो भाई मुझे गुस्से में एक और बार वॉइड में गिरा देगा। अब क्योंकि यहाँ पे काफी देर से एक भी ट्री ग्रो नहीं हो रहा था इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि हमारे पास जो इकलौता घर है इसी को गायब किया जाए। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए मैं इस घर को माइन करने में लग जाता हूँ। ना अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो यहाँ पे कोई घर ही नहीं हुआ करता था और तभी यहाँ पे 2 ट्री भी ग्रो हो चुके थे। तो फटाफट से मैं इन दोनों ट्री को कट कर लेता हूँ। ट्री को कट करके मैं जैसे यहाँ पे प्लैंक्स लगा रहा होता हूँ हमारा पहला खाना यहाँ पे वॉइड में गिर जाता है। अगर मैंने यहाँ पे ये 2 सेकंड पहले लगाया होता तो हमारे पास अभी अपना पहला फूड होता। #ElcoGamerSadLife। यहाँ पे जितनी भी ट्री सैपलिंग होते हैं उनको दोबारा से रीप्लांट कर देता हूँ। नाउ हमारा बेस थोड़ा एक्सपेंड हो चुका था और दिखने में भी अच्छा लग रहा था। देन मैं प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए भाई से काफी सारे कोबलस्टोन ले लेता हूँ एंड फटाफट से मैं इनसे स्लैब्स वगैरह को बना लेता हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के चारों तरफ एक गोल सर्कल की बाउंड्री बनाता हूँ। ना अब शाम होने तक हमारी बाउंड्री भी बनके तैयार हो चुकी है एंड उतनी देर में हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ट्री भी ग्रो हो चुके थे। तो मैं फटाफट से इसको कट करने लग जाता हूँ एंड तभी हमसे मिलने हमारा काफी साल पुराना दुश्मन आ जाता है एंड हम काफी अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर जितने भी पेड़ थे उन्हें काटने के बाद हमें एक भी एप्पल नहीं मिला एंड लग रहा है ये क्रॉप तो हमारे भूख से मरने के बाद ही ग्रो होगी। एंड तभी ऊपर वाला हमारे भूखे पेट की सुन लेता है और यहाँ पर मेरे को 2 एप्पल मिल जाते हैं जिसमें से एक तो मैं भाई को दे देता हूँ। एंड फाइनली हमारे पास थोड़ी बहुत काम करने की एनर्जी आ जाती है। रात भर कोबलस्टोन की माइनिंग और ट्री को कट करने के बाद मैं भाई से कुछ और कोबलस्टोन को लेता हूँ। देन उसके बाद मैं इसके काफी सारे स्लैब बना लेता हूँ एंड हम दोनों लग जाते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म को फिल करने के लिए। लगभग हमारा पूरा प्लेटफॉर्म फेल हो चुका था तो मैं यहाँ पे कुछ टॉर्चेस वगैरह लगा देता हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्री ग्रो रखे थे उनको कट कर लेता हूँ। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे फाइनली कुछ क्रॉप ग्रो हो चुकी थी और इनको हार्वेस्ट करने के बाद सीड को दोबारा से प्लांट कर देता हूँ। तो मैं कुछ और ट्री को ग्रो करने के लिए एरिया बना रहा होता हूँ और तभी यहाँ पे हमारे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं एंड अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास जो एक घर था उसको भी हमने तोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो हम फैंटम से थोड़ी बहुत मार खाते हैं एंड इनसे फाइनली बचने के लिए एक एरिया बनाते हैं एंड उसके अंदर जाके छुप जाते हैं। एंड ये सब होने के बाद हम रात भर कोबलस्टोन की माइनिंग करना ही डिसाइड करते हैं। सुबह होने के साथ ही सबसे पहले मैं कुछ पिकेक्स बनाता हूँ और मेरे पास जितनी भी डर्ट और सैपलिंग थी उसको अपने पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा देता हूँ एंड तब तक भाई लग जाते हैं यहाँ पे अपने बचे हुए प्लेटफॉर्म को फिल करने के लिए। नाउ हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद भाई लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारे स्टोन को माइन करने के लिए और साथ ही साथ मैं लग जाता हूँ यहाँ पे सभी पेड़ों को काटने के लिए। एंड हाँ, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हमने पूरे 100 डेज में काफी ज्यादा स्टोन माइन और पेड़ कटिंग का काम किया है और ये चीज मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाओगे। एंड हम दोनों का काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था एंड इमेजिन करो फिर क्या होता है, फिर से हमारे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं और इस बार तो मैं भी यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि इनको मार के ही रहूंगा। तो भाई एक फैंटम को मारते हैं और मैं भी एक फैंटम को मारता हूँ और ये चीज देख के एक फैंटम अपने आप ही जलने लग जाता है, लग रहा है वो हमसे डर गया है। देन उसके बाद मैं कुछ ब्रेड वगैरह
बना के अपनी हेल्थ को रिजेनरेट करता हूँ, देन उसके बाद दोबारा से भाई लग जाते हैं स्टोन माइनिंग पे। एंड मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी ज्यादा ट्री सैपलिंग को प्लांट कर देता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपना एक टेम्परेरी फूड फार्म बनाने लग जाते हैं। फिलहाल हमारे पास जितनी भी सीड वगैरह होती है उसको यहाँ पे प्लांट कर देते हैं। नाउ अब हमारी प्रोग्रेस तो ठीक ठाक चल रही है, बट आगे की प्रोग्रेस करने के लिए हमें अपना एक मॉब फार्म बनाना पड़ेगा जहाँ से हमें काफी सारे काम के रिसोर्सेज मिलेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट से मैं इसका प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ। इसकी बाउंड्री का काम कंप्लीट होने ही वाला था कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है, पर इसको मारने के चक्कर में मैं यहाँ पे गिरते गिरते बचता हूँ। देन उसके बाद भाई और मैं दोनों मिलकर इस पूरे प्लेटफॉर्म को फिल करने का काम कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ अपना ये प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका था। देन उसके बाद मैं एक डबल चेस्ट बना के अपना सारा वुड चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। और मैं अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉर्चेस लगाना भूल चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे लाखों में ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं। तो जैसे जैसे हम ज़ॉम्बी से पिटते हुए रास्ता बंद करने की ट्राई करते हैं, एंड तभी हमारे बेस के ऊपर कोबलस्टोन जनरेटर के पास आग लग जाती है। तो प्लेटफॉर्म को एरिया वगैरह ब्लॉक करने के बाद हम यहाँ पे लगी आग को बुझाने लग जाते हैं। प्लेटफॉर्म पे लगी आग को तो हमने टाइम पे बुझा दिया था, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे। एंड तभी हम यहाँ पे सोचते हैं कि दीवार के ऊपर से एक एक करके इन्हें मारना चाहिए। तभी दीवार चढ़ के एक मकड़ी आ जाती है और मैं यहाँ पे एक हार्ट पे बचता हूँ। एंड भाई से एप्पल लेके अपने पहले तो हेल्थ जनरेट करता हूँ, और अगर इतना काफी नहीं था तो फैंटम भी हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। एंड भाई को तो धक्का देके फैंटम ने मॉब के बीच में ही गिरा दिया था। देन मॉब से बचने के लिए तो भाई वॉइड में ही कूद जाते हैं। एंड अपना बदला लेने के लिए भाई फैंटम को भागा भागा के मारता है, या फिर ये कह लो फैंटम उसको भागा भागा के मारता है। सुबह होने के साथ ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मॉब जल के मर जाते हैं। नाउ जैसे जैसे हमने अपनी लास्ट नाइट को सरवाइव कर ही लिया था, बट हमें जल्दी से जल्दी अपने लिए एक बेड बनाना पड़ेगा। तो भाई काफी सारे पेड़ों को काटने के लिए लग जाते हैं और मैं अपने मॉब फार्म को बिल्ड करने का काम शुरू कर देता हूँ। अपना मॉब फार्म कंप्लीट होने के बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर एएफके करना शुरू ही करता हूँ कि यहाँ पे शुरुआत में एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है। तो अब भाई भी बोलते हैं इसको बाहर निकाल के बोट में बिठाना चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले मॉब फार्म को ऊपर से बंद करता हूँ एंड सेफली ज़ॉम्बी विलेजर को छोड़ के बाकी सब मॉब को मार देता हूँ एंड बोट की मदद से ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे बिठा देता हूँ। तो गाइस सेफली हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां तो हो जाती है। मैं फिर से ऊपर टॉर्च लगाना भूल चुका हूँ, पता नहीं मैं ये नूब हरकतें करना कब छोड़ूंगा। देन उसके बाद मैं काफी देर तक मॉब फार्म के ऊपर एएफके करता हूँ, जिससे कि बेड बनाने के लिए मेरे पास इनफ स्ट्रिंग्स हो जाए। तभी मेरे को एक ज़ॉम्बी को मार के अपना पहला आयरन इंगट मिल जाता है, और जहां तक मुझे पता है इसके ड्रॉप करने के चांसेस काफी ज्यादा रेयर होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये तो मेरे को काफी ज्यादा जल्दी मिल गया। तो मैं बिना रुके मॉब फार्म के ऊपर एक दो दिन तक एएफके ही करता हूँ, और इतना एएफके करने के बाद भी मेरे को सिर्फ 5 ही स्ट्रिंग्स मिली थी, जिससे मैं सिर्फ एक ही वूल बना पाता हूँ। और बेड बनाने के लिए अभी भी हमें 2 वूल की जरूरत है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे काफी देर तक एएफके करता हूँ, और इतनी देर की एफके करने के बाद मेरे पास एक और वूल हो चुका था। और इतनी देर में भाई ने इस ब्रिज को भी बना के कंप्लीट कर दिया था, जो कि फिलहाल देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपने मॉब फार्म के ऊपर के मॉब वगैरह को बो एरो की मदद से मारने लग जाता हूँ। एंड अब कायदे से मेरे को इस बार टॉर्चेस लगा के आना चाहिए था, बट ये देख लो मैं बिना टॉर्चेस लगाए नीचे जा रहा हूँ, और मेरी इस प्रोनेस का तो कोई जवाब ही नहीं है। एंड तभी एक क्रीपर ज़ॉम्बी विलेजर के साथ बोट में बैठ जाता है, तो मैं इसको आराम से मार देता हूँ एंड मॉब फार्म के ऊपर दोबारा से एफके करना शुरू कर देता हूँ। भाई से पूछने के बाद पता चला कि उनके पास भी 2 स्ट्रिंग थी, तो मैं अपना आखिरी वूल बना के फाइनली अपना बेड बना लेता हूँ। और अपने पहले बेड को बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। देन उसके बाद मैं मॉब फार्म से कुछ हड्डियों को लेके बोन मिल बनाता हूँ एंड फटाफट से अपने सभी क्रॉप को ग्रो करने लग जाता हूँ। फार्मिंग वगैरह का काम कंप्लीट होने के बाद मैं काफी सारे ब्रेड बना लेता हूँ। एंड अब चलो हमारे खाने पीने की कमी तो पूरी हुई। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे होके ट्री को कट करने लग जाता हूँ। एंड तभी भाई यहाँ पे सो के डे कर देते हैं। एंड अभी आप लोग सोच रहे हो कि एक बंदे के सोने से डे कैसे हो गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस वर्ल्ड में वन स्लीप का मॉड लगा रखा है। तो अब टाइम आ चुका है नेदर में जाने का, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर भी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म को बनाने का काम शुरू कर देता हूँ, जिसके ऊपर हमारा नेदर पोर्टल होने वाला है। प्लेटफॉर्म को बनाने के साथ साथ भाई यहाँ पे इसके ब्रिज को भी डेकोरेट कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने मॉब फार्म वाले ब्रिज को डेकोरेट किया है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा है। पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जब मैं मॉब फार्म पर एएफके कर रहा था, तब यहाँ पर एक क्रीपर फट जाता है। देन भाई और मैं मिलकर इसको ठीक करने लग जाते हैं। देन यहाँ पर एक और क्रीपर फट जाता है। अब तो शायद मुझे अपने आप को प्रो समझना बंद करना चाहिए। खैर ये तो अच्छा हुआ कि क्रीपर के धमाके से ये ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मरा। देन मैं अपने बचे हुए प्लेटफॉर्म को फिल करने का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। नाउ भी आप देख सकते हो कि हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका है, एंड साथ ही साथ भाई ने इसके ब्रिज को भी काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया है। तो गाइस टाइम आ चुका है अपने नेदर पोर्टल को बनाने का, एंड इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए अपनी जड़ी बूटी बनाने का। नाउ मैं अपने नेदर पोर्टल को बिल्ड करने का काम शुरू कर देता हूँ। एंड हाँ, साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर देता हूँ, क्योंकि एक प्रो बिल्डर होने के नाते मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि इस वर्ल्ड में बिना नेदर में जाए ग्रेवल नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिससे हम फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं बना सकते। तो मैं इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए लावा का इस्तेमाल करने लग जाता हूँ। एंड काफी देर तक इधर उधर लावा फैलाने के बाद भी ये पोर्टल एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड तभी इस लावा के ज्यादा नजदीक जाने के चक्कर में मेरे ऊपर आग लग जाती है। और सैड न्यूज ये है कि इस टाइम पे मेरे
बकेट में वाटर भी नहीं था, तो मैं फटाफट से हेल्प लेने के लिए भाई के पास भागता हूँ और एंड टाइम पे वो मेरे को बचा लेता है यहाँ पर। अब क्योंकि ये पोर्टल एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो मैं मॉब फार्म के ऊपर AFK करने आ जाता हूँ। एंड तभी थोड़ी देर बाद मेरे को भाई बताता है कि पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। तो फाइनली अब हमारी लावा वाली ट्रिक की मदद से पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। अब क्योंकि नेदर में जाने से पहले हमें काफी सारे खाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे काफी सारी क्रॉप को ग्रो करने लग जाता हूँ। एंड तभी भाई बताता है कि उन्हें मॉब फार्म के ऊपर AFK करते टाइम एक कैरेट मिली है जिससे आगे जाकर हम गोल्डन कैरेट भी बना सकते हैं। तो फटाफट से मैं इस कैरेट को बोन मील की मदद से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नाउ अब हमारे पास 1 स्टैक से ज्यादा कैरेट भी हो चुकी है। मॉब फार्म के ऊपर AFK करते टाइम भाई को एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिला था तो मैं फटाफट से इधर आके इसे भी बोट में बिठाने लग जाता हूँ। नाउ अब ये ज़ॉम्बी विलेजर भी बोट में बैठ चुका था एंड मैं भी इसके साथ बोट में बैठ जाता हूँ और ये मुझे कुछ भी नहीं करता है। लगता है हमारी दोस्ती हो चुकी है। नाउ अब टाइम आ चुका है नेदर में जाने का और जल्दी जल्दी काम के रिसोर्सेज इकट्ठा करने का। नेदर में आते ही सबसे पहले तो हम अपने आसपास देखते हैं और इस बार हमें ठीक ठाक स्पॉन मिला था। कम से कम वो यूजलेस बेसाल्ट बायोम तो नहीं मिली। पिगलिन वगैरह से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं और भाई गोल्ड नगेट्स को माइन करते हैं। पोर्टल से थोड़ा आगे जाते ही सबसे पहले तो हमें क्रिमसन फॉरेस्ट वाली बायोम मिल जाती है। तो पिगलिन वगैरह से मार ना खाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने गोल्ड के जूते बना लेते हैं। एंड तभी हमारे ऊपर एक घास्ट हमला कर देती है। एंड तभी मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं अपनी प्रो स्किल का यूज करके घास्ट के फ्लेम को रिफ्लेक्ट कर दूंगा एंड इसको इजिली यहाँ पे मार दूंगा। बट थोड़ा बहुत पिटने के बाद मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता हूँ। फिलहाल अभी हम क्रिमसन फॉरेस्ट के अंदर आई थे कि सामने मेरे को फोर्ट्रेस भी दिख जाती है। तो मैं फटाफट से भाई को अपने पास बुलाता हूँ एंड यहाँ पे भाई और मैं बैठ के सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि फोर्ट्रेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अपनी थोड़ी बहुत सुरक्षा के लिए हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने लिए पूरा गोल्ड का आर्मर बना लेना चाहिए। तो फटाफट से मैं और भाई यहाँ पे लग जाते हैं गोल्ड की माइनिंग के लिए। गोल्ड वगैरह को माइन करते करते मैं काफी ज्यादा आगे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को ग्रेवल मिलती है जो कि हमारी डर्ट से मिला के कोरस डर्ट बनाने के काम आएगी। एंड तभी मुझे पता चलता है कि भाई तो लावा में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे अकेले नूब नहीं हूँ। देन मैं भाई को अपने कोऑर्डिनेट्स बता के इधर बुला लेता हूँ। नाउ सबसे पहले तो मैं इनको एक गोल्ड के जूते बना के देता हूँ एंड हम दोनों लग जाते हैं यहाँ पे ग्रेवल को माइन करने के लिए। ग्लोस्टोन की मदद से मैं कुछ स्पेक्ट्रल एरो भी बनाता हूँ और इसको टेस्ट करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था तो मैं इसको भाई के ऊपर ही ट्राई कर लेता हूँ। इस जगह की सारी ग्रेवल माइन करने के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो एक भाई हमारा रास्ता रोक रहे थे तो इनको यहाँ पर हमने सेफली लावा में गिरा दिया। नाउ अभी हमें काफी सारी ग्रेवल की जरूरत होगी और उससे हम काफी सारी कोर्स डर्ट बनाने वाले हैं। तो हम निकल जाते हैं नेदर में काफी सारी ग्रेवल को माइन करने के लिए। नाउ फाइनली हम काफी सारी ग्रेवल और गोल्ड माइन करके ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं एंड अब मैं अपने और भाई के लिए फुल्ली गोल्ड का आर्मर बना लेता हूँ एंड साथ ही साथ मैं कुछ गोल्डन कैरेट भी बना लेता हूँ। तो फाइनली अब हमारे प्रोटेक्शन वगैरह का काम तो हो चुका है जो कि हमें नेदर के मॉब से बचाएगा। अब हमारे पास जो टेम्परेरी फूड फार्म होता है हम उसको रिमूव करने लग जाते हैं क्योंकि कोरस डर्ट बनाने के लिए भी कुछ डर्ट की जरूरत पड़ती है। नाउ एक काम करते हैं, अब हम अपने फटाफट से मजदूरी का काम शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 4 स्टैक डर्ट हो चुकी है। अब क्योंकि हमने अपने टेम्परेरी फार्म को रिमूव कर दिया है तो मैं एक बड़ा सा फूड फार्म बनाने का डिसाइड करता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ। नाउ अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे तो डर्ट फिल हो चुकी है एंड हर बार की तरह भाई यहाँ पे ब्रिज बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं। देन मैं थोड़ी देर के लिए अपने मॉब फार्म पे AFK करने के लिए आ जाता हूँ एंड तभी यहाँ पे मॉब वगैरह को मारते हुए एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है। तो अब मैं भाई से बोलता हूँ कि इसको यहाँ से निकाल के बाकी ज़ॉम्बी विलेजर के साथ बोट में बिठा दे एंड हाँ जब तक मैं अपने फूड फार्म के ऊपर अपना बचा हुआ सारा काम कंप्लीट करने लग जाता हूँ। अब इस पूरे फार्म के ऊपर हो करने के बाद ये पूरा फार्म तैयार हो चुका है तो मैं और भाई मिलकर यहाँ पे कैरेट और वीट के साथ साथ सभी शुगर केन को प्लेस कर देते हैं। नाउ फाइनली शाम होते होते हमारा बड़े से फूड फार्म का काम भी कंप्लीट हो चुका है एंड मैं मॉब फार्म के ऊपर आके देखता हूँ तो भाई ने तीसरे ज़ॉम्बी विलेजर को भी बोट में बिठा दिया था एंड साथ ही साथ यहाँ पर AFK करने पर मेरे को एक और गोल्ड इनगट मिल जाता है एंड साथ ही साथ भाई को यहाँ पर एक आलू मिलता है। अब दोस्तों धीरे धीरे हमारे पास सब्जियों की वैरायटी बढ़ते जा रही है, लगता है अब हमें एक वेजिटेबल शॉप खोल लेनी चाहिए। अब मैं अपने 2 आयरन इनगट से 2 शील्ड बना लेता हूँ और 1 शील्ड भाई को दे देता हूँ। नाउ अब टाइम आ चुका है नेदर फोर्ट्रेस में जाने का और वहाँ से काफी सारी ब्लेज रॉड को लेकर आने का क्योंकि अब हमें अपने ज़ॉम्बी विलेजर को जल्दी जल्दी क्योर करने के लिए जड़ी बूटी खिलानी है। वो बेचारे सदियों से इसका इंतजार कर रहे हैं और हम अपने फालतू के काम में लगे पड़े हैं। नेदर में आती सबसे पहले अपने गोल्ड के आर्मर को और चमकाने के लिए आग लगवा लेता हूँ। देन उसके बाद फटाफट से हम इनकी छत तोड़ के फोर्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। फोर्ट्रेस में आती सबसे पहले मेरे को सामने एक चेस्ट दिखती है जिसके अंदर से 2 गोल्ड इंकट और कुछ हॉर्स के आर्मर पड़े हुए थे। तभी एक विदर स्केलेटन भाई के ऊपर हमला कर देता है और मैं जैसे भाई को बचाने जाता हूँ एक फटका भाई में लग जाता है और इस टाइम पे वो मुझे बता रहा था कि वो 2 हर्ट पे बचा है। कोई मॉब हमें मारे ना मारे हम दोनों एक दूसरे को जरूर मार देंगे। 2-4 विदर स्केलेटन को मारने के बाद फाइनली हमें ब्लेज स्पॉनर मिल ही जाता है। भाई और मैंने ब्लेज रॉड कलेक्ट करना शुरू ही करी थी कि एक तरफ से ब्लेज हमें जला के मार रही थी और दूसरी तरफ से हमें हॉगलिन का बच्चा मार रहा था। और एक तो ये 2 कौड़ी का गोल्ड आर्मर, प्रोटेक्शन के नाम पे भाई कुछ नहीं हो रहा इससे। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल।
तो जैसे जैसे भाई और मैं मिलकर यहाँ पे काफी सारी ब्लेज रॉड को कलेक्ट कर लेते हैं, 11 तो मेरे पास थी और 4-5 भाई के पास भी थी। तो फोर्ट्रेस को और एक्सप्लोर करते हुए भाई को यहाँ पर एक रेयर मॉब मिलता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि इसको बोट में बिठा के अपने बेस के ऊपर ले जाया जाए। अब क्योंकि ये बोट में बैठ ही नहीं रहा था तो मैंने इसको मार दिया, एंड इसको मारने के बाद इसका पूरा खानदान भाई और मेरे पीछे पड़ जाता है। खैर यहाँ पर जो भी आए हम दोनों मिलकर देख लेंगे। अरे मेरे कद्दू करे फाइट, हम दोनों वहाँ से भाग के निकल जाते हैं। आगे चलकर हमें यहाँ पे नेदर वॉर्ड का एरिया मिलता है, तो फटाफट से हम यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लेते हैं। फोर्ट्रेस को और एक्सप्लोर करते हुए हमें कुछ चेस्ट भी मिलती है जिसके अंदर से गोल्ड, फ्लिंट एंड स्टील और सबसे मेन 3 आयरन के इंगट मिल जाते हैं, जिसकी फिलहाल तो हमें काफी ज्यादा जरूरत थी। देन उसके बाद स्पेक्ट्रल एरो बनाने के लिए हम काफी सारी ग्लोस्टोन को भी माइन करते हैं। उसके बाद सामने मेरे को कुछ गोल्ड दिखता है, एंड अब भाई आपको परफेक्ट टाइमिंग का एग्जांपल देंगे। और गाइस यकीन मानो मैंने यहाँ पे सिर्फ माइन करने के लिए पिकेक्स चलाई थी, बट उसके बाद जैसे मैं एक आयरन नगेट को माइन करता हूँ मेरे को भी कोई धक्का देके नीचे गिरा देता है। और मैं यहाँ पे शायद इसलिए बच गया क्योंकि मेरी हेल्थ फुल थी। देन उसके बाद फटाफट से भाई आके अपना सारा सामान उठा लेते हैं, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ घूम रहे पिग वगैरह को रोस्ट करने लग जाता हूँ। अरे कैरी भाई वाला रोस्ट नहीं, अब हमें गोल्डन एप्पल बनाने के लिए काफी सारे गोल्ड की भी जरूरत होगी। तो भाई और मैं मिलकर काफी सारे गोल्ड को माइन करते हैं। ओवरवर्ल्ड में आते सबसे पहले हम चेस्ट के अंदर अपना सारा सामान शॉर्ट करते हैं, एंड उसके बाद मैं पोशन बनाने के लिए एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ। और पिछले काफी टाइम से भाई मॉब फार्म के ऊपर एएफके भी कर रहे थे, उनको यहाँ पे विच को मार के 2 बोतल मिली थी और साथ ही साथ यहाँ पर एक आलू भी मिला था। नाउ फाइनली अब हम इन ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए पोशन बना सकते हैं, एंड अब मैं पोशन बनाना शुरू कर देता हूँ बिना बोतल में पानी भरे। लगता है इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे अपने दिमाग का इलाज करवाना ही पड़ेगा। देन अपने स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बनने के बाद अपने 8 गोल्डन एप्पल भी बना लेता हूँ। अब क्योंकि क्योर करने से पहले यहाँ पर एक ही बोट के अंदर 2 विलेजर बैठे हुए थे, तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, वरना अगर एक विलेजर क्योर हो जाएगा तो दूसरा उसे दोबारा इन्फेक्ट कर देगा। तो भाई यहाँ पर इनको अलग अलग करने के लिए वॉल से एक अजीब सा एरिया बनाते हैं, एंड ये दोनों ज़ॉम्बी विलेजर इतने बेकार होते हैं कि दोबारा से एक ही बोट में बैठ जाते हैं। एक और बार ट्राई करने के बाद एक विलेजर तो अलग हो चुका था, एंड दूसरे विलेजर को भी फाइनली हम अलग बोट में बिठाने में सक्सेसफुल होते हैं। एंड बीच वाले विलेजर ने कौन सा गत्ता फूका था वो तो हमें नहीं पता है, बट ब्रो हमें भी ये वाला गत्ता चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक ही जड़ी बूटी से तीनों का काम हो जाता है, तो मैं तीनों को एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। देन उसके बाद मैं अपनी थोड़ी बहुत शुगर केन की फार्मिंग करता हूँ। देन उसके बाद मैं मॉब फार्म के ऊपर थोड़ा एएफके करता हूँ, एंड तब भी इतनी देर में यहाँ पे हमारे तीनों विलेजर क्योर हो चुके थे। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ जॉब ब्लॉक्स रख देता हूँ जिससे कि ये बंदे डिस्पॉन ना हो। एंड तभी भाई यहाँ पर बोलते हैं कि वो एक देसी आयरन फार्म बना सकते हैं, उसके लिए वो यहाँ पे एक जॉम्बी को निकालने लग गए थे। एंड जॉम्बी को बोर्ड में बिठाने के साथ साथ वो विलेजर के बगल में ले आए थे उसे, पर विलेजर को देखे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इनसे रत्ती भर भी डर रहे हैं। देन हमारे पास जो 2 बेड थे उनको वो यहाँ पे लाके लगा देते हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे फैन से कुछ एरिया को कवर कर देते हैं। अब उनका ये देसी आयरन फार्म कैसे वर्क करेगा ये तो उन्हें ही पता होगा, एंड जब तक भाई अपना ये वाला आयरन फार्म कंप्लीट कर रहे हैं जब तक हम कुछ पेड़ों वगैरह को काट लेते हैं। देन उसके बाद डर्ट और ग्रेवल को मिला के मैं काफी सारी कोरस डर्ट बनाता हूँ जिसको मैं फटाफट से यहाँ पे नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट करने लग जाता हूँ। तो गाइस अब जैसे कि हमारे इस पूरे बेस पे कोई भी एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी फिलहाल हमें शीप और काऊ जैसे कुछ एनिमल्स की जरूरत है, तो फटाफट से मैं एक और नए प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। एंड इस बार मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म को डर्ट से फिल कर देता हूँ। देन फटाफट से मैं चेस्ट में रखी हुई 2 ग्रास ब्लॉक को ले लेता हूँ। अब क्योंकि कोई भी एनिमल सिर्फ ग्रास वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर ही स्पॉन होते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे 2 जगह ग्रास को लगा देता हूँ जिससे कि ये पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपेंड हो जाए। देन मैं अपने फूड फार्म के ऊपर थोड़ा वर्क करता हूँ, एंड तभी भाई मुझे बताता है कि हमें अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर एएफके करना पड़ेगा, एंड तभी वहाँ पे ग्रास स्प्रेड होगी। तो फटाफट से मैं इसके ऊपर आके अगले 2-3 दिनों तक एएफके करता हूँ। नाउ भी आप देख सकते हो कि लगभग 80% यहाँ पे ग्रास फैल चुकी है, बट यहाँ पे कोई एनिमल स्पॉन नहीं हुआ है। एंड इतने दिनों के बाद फाइनली भाई का देसी आयरन फार्म भी बनके तैयार हो चुका था, तो फटाफट से मैं इधर आ जाता हूँ इसको देखने के लिए। एंड साथ ही यहाँ पर एक गोलम भी स्पॉन हो रखा था, और अभी फिलहाल भाई इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहे थे, तो फटाफट से मैं भी उनके साथ लग जाता हूँ इसको ठीक करने के लिए। एंड भाई ने यहाँ पे लावा रखने के लिए साइन बोर्ड की जगह फेंस गेट का यूज किया है, तो मैं उनको यहाँ पे साइन बोर्ड यूज करने के लिए कहता हूँ। एंड जब तक यहाँ पर अपने मॉब वगैरह की कुटाई करता हूँ, और इस बार भाई ने तो कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पका दी थी, देन मैं यहाँ पे खुद लावा रखने वाला काम कम्प्लीट करने लग जाता हूँ। नाउ मैंने अपनी प्रो वेल्डिंग स्किल से भी इसको ठीक कर दिया है। अच्छा चलो ठीक है, यूट्यूब से देख लिया था कैसे होगा ये। एंड बनने के साथ ही आयरन फार्म काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, भाई का देसी जुगाड़ भी अच्छे तरीके से वर्क कर गया। तो फटाफट से मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक एएफके करता हूँ। यहाँ पर काफी देर एएफके करने के बाद जब मैं अपने एनिमल फार्म के ऊपर जाकर देखता हूँ, यहाँ पर एक काय और 2 शीप स्पॉन हो रखी थी, जिनके देख के तो लिटरली मजा आ गया। अब हम फाइनली कुक फूड खा सकते हैं। एंड तभी भाई मुझे बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पर भी एक गाय दिख रही है। एंड यहाँ पर आके मैं ये सोच के कंफ्यूज हो रहा था कि ये गाय यहाँ पर कैसे आई, शायद ये गाय टहलते टहलते इधर आ गई। तो फटाफट से रात होते होते मैं सभी को ब्रीड करवा देता हूँ। तो फाइनली हमारे पास और खाना और एनिमल आ चुके हैं। तो गाइस इन मुश्किल से मिले एनिमल्स को मैं यहाँ पे खुला नहीं छोड़ सकता, वरना ये हमसे एस्केप करने के लिए वॉइड में कूद जाएंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक एनिमल फार्म का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता हूँ।
नाउ अब अपने एनिमल फार्म का काम भी कंप्लीट हो चुका है, देन मैं अपने फूड फार्म के ऊपर आके अपने काफी ज्यादा वीट को हार्वेस्ट करता हूँ जो कि अपने एनिमल्स वगैरह को खिलाने के काम आएगा। देन एनिमल फार्म के ऊपर आके मैं कुछ शीप को शियर करता हूँ जिससे हम विलेजर के लिए और भी ज्यादा बेड बना सके। देन उसके बाद मैं अपने भाई के देसी आयरन फार्म के ऊपर आता हूँ एंड फटाफट से यहाँ से कुछ आयरन वगैरह को ले लेता हूँ क्योंकि अब टाइम आ चुका है अपने पूरे आयरन के आर्मर और टूल्स को बनाने का, क्योंकि भाई और मैं स्टोन के टूल से माइन करके तंग आ चुके हैं। नाउ मैं फटाफट से अपने और भाई के लिए आयरन के आर्मर एंड टूल्स को बना लेता हूँ। नाउ गाइस हमारा ये वाला काम तो कंप्लीट हो चुका है, बट हमें अपने डायमंड आर्मर बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा। एंड अब भाई मेरे को यहाँ पे कुछ पके हुए आलू दे देते हैं खाने के लिए, तो अब मैं हमारे ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को बनाने का डिसाइड करता हूँ। तो फटाफट से मैं इसको बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। नाउ शाम होते होते अपने ट्रेडिंग हॉल का प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका था, पर मेरी टॉर्च ना लगाने की आदत की वजह से यहाँ पे एनिमल फार्म के अंदर काफी सारे क्रीपर स्पॉन हो जाते हैं। तो भाई और मैं मिलकर एरो की मदद से इनको दूर से मार देते हैं एंड साथ ही साथ मैं अपने एनिमल्स को ब्रीड भी करवाता जा रहा था। देन उसके बाद मैं अपने पोर्टल वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर आता हूँ, तो भाई ने यहाँ पे चारों तरफ की बाउंड्री के साथ साथ यहाँ पे मेगा स्मेल्टिंग एरिया भी बना दिया है जहाँ पे हम अपने कोबलस्टोन के साथ साथ काफी सारे फूड को भी स्मेल्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं भाई से काफी सारे कोबलस्टोन लेता हूँ एंड बिना देरी किए हुए इनको भी स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ क्योंकि अपने ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए काफी सारे स्टोन ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद मैं काफी देर तक भाई के साथ स्टोन माइनिंग का काम भी करता हूँ। देन उसके बाद मैं आयरन फार्म के कुछ विलेजर्स से एमरल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि भाई का ये देसी आयरन फार्म काम करना बंद कर दिया था। कुछ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह करने के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। पता नहीं कैसा जुगाड़ू आयरन फार्म बना दिया है, कभी चालू हो जाता है और कभी अपने आप बंद भी हो जाता है। देन भाई के बेल्ट का मजाक उड़ाने के बाद वो मेरी गलती दिखाने के लिए मुझे बुलाते हैं और इस बार मैं फिर से यहाँ पे टॉर्च लगाना भूल गया था। तो भाई और मैं मिलकर यहाँ पे सभी मॉब को एरो से मार देते हैं एंड तब मैं यहाँ पे ध्यान देता हूँ कि यहाँ पर एक वांटेड ट्रेडर भी स्पॉन हुआ है। इसकी ट्रेड चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि अपने साथ जंगल और अकेशिया की सैपलिंग लेकर आया है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कुछ सैपलिंग को बाय कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसके दो लांबा को यहाँ पे सबसे पहले टपकाता हूँ। देन फटाफट से मैं और भाई मिलके इसको हवा में लटकाते हैं और थोड़ा टॉर्चर करते हैं कि फटाफट से हमें डायमंड की ट्रेड दे। तो गाइस अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने से पहले मैं अपने कुछ बचे हुए प्लेटफॉर्म को बना के कंप्लीट कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम अपने आने वाले कुछ बिल्ड बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से सारे प्लेटफॉर्म को बना के फुल्ली कंप्लीट करते हैं। नाउ अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने सारे प्लेटफॉर्म को बना के कंप्लीट कर लिया है एंड साथ ही साथ मैंने इनकी बाउंड्री को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था। एंड अभी भाई यहाँ पर अपनी बची हुई बाउंड्री का थोड़ा काम कंप्लीट कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं दोबारा से भाई से काफी सारे स्टोन को लेता हूँ और यहाँ पे स्मेल्टिंग के लिए लगाते जाता हूँ सभी को। जब तक यहाँ पे अपना सारा स्टोन स्मेल्ट हो रहा है, एक काम करते हैं फटाफट से काफी सारी वुड को भी कलेक्ट कर लेते हैं। ट्री कट करते हुए यहाँ पे मैं लीव के अंदर वुड को ढूंढ रहा था जिससे कि अपने आप टूट के नीचे गिर सके एंड तभी यहाँ पे भाई फ्लिंट एंड स्टील का यूज करके इसको जला देते हैं। ये स्मार्ट वर्क वाले आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते। देन हम अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म में से एक को अपने ट्री फार्म बना देते हैं एंड फटाफट से यहाँ पे भाई अपने ट्री को ग्रो करने लग जाते हैं। तभी इनके देसी आयरन फार्म को छोड़ के गोलम बाहर स्पॉन हो जाता है और पता नहीं क्या ही जुगाड़ू आयरन फार्म बनाया है, कभी स्पॉन ही नहीं होते और कभी बाहर ही स्पॉन हो जाते हैं। देन मैं वुड कलेक्ट करने के लिए कुछ आयरन की एक्स बना के भाई को देता हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ पे सभी जगह ट्री सैपलिंग को भी प्लांट कर देता हूँ। नाउ मैं अपने नए प्लेटफॉर्म को बीच वाले प्लेटफॉर्म से मिला देता हूँ जिससे यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता बन सके एंड उसके बाद मॉब फार्म के ऊपर थोड़ी देर तक एएफके करता हूँ या फिर ये कह लो थोड़ा बहुत टाइम पास करता हूँ एंड फिर भाई का आयरन फार्म दोबारा से काम करना बंद कर देता है। लग रहा है विलेजर ने भाई को भी गत्ता फुकवा दिया था बनाने से पहले। बाय द वे जब मैं अपने मॉब फार्म के ऊपर एएफके कर रहा था तो मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो फटाफट से मैं ऊपर से इसको बंद करके इसको भी निकालता हूँ एंड बाहर निकालने के साथ ही इसको बोट में बिठा देता हूँ। अब क्योंकि हमारे पास गोल्डन एप्पल और की कमी तो नहीं है तो हम इसको भी क्योर कर लेंगे जिससे आगे जाके हमें दो कौड़ी के भाव में ट्रेड दे। देन मैं और भाई आयरन फार्म के अंदर आ जाते हैं इसको ठीक करने के लिए। यहाँ से थोड़ी बहुत मार खाने के बाद मैं ये काम उन्हीं को सौंप देता हूँ क्योंकि ये देसी आयरन फार्म बनाने का आइडिया उन्हीं का था। तो मॉब फार्म के ऊपर एएफके करते हुए मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो फटाफट से मैं इसको भी बाहर निकाल के बोट में बिठा लेता हूँ। अब हम जब एक को क्योर कर ही रहे हैं तो दूसरे को भी साथ साथ कर ही देंगे। देन मैं यहाँ पर आता हूँ तो एनिमल फार्म की छत पे एक क्रीपर स्पॉन हो गया था क्योंकि मैं यहाँ पर भी टॉर्च लगाना भूल जाता हूँ। मुझे पता है अब मेरी नूब हरकतें कुछ ज्यादा ही हो रही है। उसके बाद भाई पीछे यहाँ पे ब्रीडिंग का काम कर रहे थे एंड मैं यहाँ पर आराम से बिस्कुट और दूध पीने का काम कर रहा था। मेरे दोस्तों अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता यार। देन मैं यहाँ पे फटाफट से काफी सारी गाय का सफाया करता हूँ और भाई लग जाते हैं वूल को शेयर करने के लिए। जितना भी लेदर इकट्ठा होता है मैं उससे 7 बुक बना लेता हूँ एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 लेक्टन भी बना लेता हूँ और बिना देरी किए फटाफट से मैं ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए आ जाता हूँ। नाउ भी ये दोनों कुछ ही देर में क्योर हो जाएंगे और इनके डिस्पॉन ना होने के लिए मैं यहाँ पे जॉब ब्लॉक को रख देता हूँ। देन उसके बाद मैं एक स्टोन कटर बना के काफी सारे स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ। नाउ एक डबल चेस्ट लगा के अपने ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए सारा सामान मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे कुछ एनिमल्स को भी ब्रीड करवा देता हूँ। एंड तभी भाई मुझे बताता है कि वहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर तो क्योर हो चुके हैं बट वहाँ पे बोट में सिर्फ एक ही
विलेजर बैठा है। खैर वो दूसरा विलेजर कहाँ गया उससे तो हमें कोई परवाह नहीं है, बट यहाँ पर हमारा एक कीमती गोल्डन एप्पल बर्बाद हो गया। अब ये वाला भी डिस्पॉन ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर एक बेड को ला के रख देता हूँ। तो गाइस अब टाइम आ चुका है अपने बड़े से ट्रेडिंग हॉल को बनाने का, तो एक काम करते हैं फटाफट से उसे बनाना शुरू करते हैं। अब सिनेमैटिक में एंजॉय करो। नाउ फाइनली हमारे पूरे बड़े से बेस के ऊपर अपना ट्रेडिंग हॉल भी बनके तैयार हो चुका है, जिसके अंदर हमने काफी सारे जॉब ब्लॉक्स और बेड वगैरह को लगा दिया है। एंड ऊपर हमने एक स्टोरेज रूम बनाया है जिसके अंदर हमारा सारा सामान आ जाएगा। तो अब अगर आयरन फार्म के विलेजर को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास ट्रेडिंग हॉल में ले जाने के लिए सिर्फ एक ही विलेजर है। तो एक और जॉम्बी विलेजर के लिए मैं मॉब फार्म के ऊपर एक दो दिन के लिए AFK करता हूं। एंड अभी तक मेरे को यहां पे कोई भी जॉम्बी विलेजर नहीं मिलता है, तो अब मैं हमारे इकलौते विलेजर भैया को ट्रेडिंग हॉल के अंदर ले जाने लग जाता हूं। और इसके लिए मैं यहां पे बेड वाली ट्रिक का इस्तेमाल करता हूं। देन मैं आ जाता हूँ दोबारा से मॉब फार्म के ऊपर AFK करने के लिए, इस होप में कि मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए। एंड तभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई का देसी आयरन फार्म यहाँ पे वर्क करना बंद कर चुका है। बट इस बीच यहाँ पर एक अच्छी चीज होती है, मॉब फार्म पर AFK करते टाइम यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बाकी के मॉब्स को मार के इसको बाहर निकालता हूँ एंड बोर्ड में बिठा के इसको कैप्चर कर लेता हूँ। देन इस बार इसे क्योर करने के लिए भाई जड़ी बूटी खिलाते हैं। एंड तभी आयरन फार्म दोबारा से वर्क करने लग गया था, बट ये आयरन फार्म की जगह ट्री फार्म के अंदर गोलम स्पॉन कर रहा था। देन भाई मुझे बोलते हैं कि इस वीडियो के बाद वो मुझे भी वो गत्ता देंगे जो फूक के उन्होंने ये आयरन फार्म बनाया था। बाय द वे इतनी देर में हमारा विलेजर भी क्योर हो जाता है और इसके डिस्पॉन ना होने के लिए भाई ने यहाँ पे दुनिया भर के जॉब ब्लॉक्स लगा दिए हैं। तो फटाफट से भाई और मैं मिलकर इसको बोट की मदद से ट्रेडिंग हॉल के अंदर ले आते हैं। अंदर आते ही एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू कर देते हैं, बट ये यहाँ पे ब्रीड तो कर ही नहीं रहते। तभी हमें याद आता है कि इनको ब्रेड भी खिलानी पड़ती है, तो फटाफट से मैं इन सभी को काफी ज्यादा ब्रेड दे देता हूँ। नाउ हमारा टारगेट होने वाला है सभी विलेजर को फ्लेचर की जॉब देके एमरल्ड को ट्रेड करना एंड फिर टूल्स में तो आर्मर को अपग्रेड करके फुली डायमंड का आर्मर एंड टूल्स को बाय करना। तो फटाफट से मैं ट्री फार्म के ऊपर आके यहाँ से जितने भी बोर्ड होती है उसको ले लेता हूँ। एंड मैं जैसे ट्रेडिंग हॉल के अंदर आता हूँ यहाँ पे हमारा छोटा नौकर विलेजर आ जाता है। लग रहा है ये इस बात से बेखबर है कि इसको पूरी जिंदगी यहाँ पे गुलामी करनी पड़ेगी। पता है बहुत बेकार लग रहा हूँ। देन फिर मैं बिना रुके एमरल्ड की ट्रेडिंग करने के लिए लग जाता हूँ एंड साथ ही साथ मैं इनको ब्रीड करवाने के लिए कैरेट भी खिलाते जा रहा था। एंड तब तक हमारे भाई पेड़ों को ग्रो करके वुड कलेक्ट करने में लगे हुए थे एंड दूसरी तरफ मैं यहाँ पे विलेजर को ब्रीड करवाना और एमरल्ड कलेक्ट करने का काम कर रहा था। देन उसके बाद भाई भी ट्रेडिंग हॉल के अंदर आ जाते हैं एंड हम दोनों मिलकर यहाँ पे काफी सारे एमरल्ड को बाय करते हैं एंड कमाए हुए एमरल्ड से मैं टूल्स में तो आर्मर को भी अपग्रेड करते जा रहा था। काफी देर की ट्रेडिंग के बाद टूल्स में डायमंड की एक्स और शवल को ट्रेड कर रहा था। एंड साथ ही आर्मर को अपग्रेड करके वो पूरा डायमंड का आर्मर ट्रेड करने लगा। नाउ अभी आप चेस्ट में देख सकते हो कि हमारे पास 2 सेट डायमंड के आर्मर और कुछ डायमंड के टूल्स हो चुके हैं। एंड जब तक भाई और एमरल्ड की ट्रेडिंग कर रहे थे मैं यहाँ पे साथ में वेपन स्मिथ को भी अपग्रेड कर रहा था। नाउ ये फाइनली डायमंड की एक्स और स्वॉर्ड बेचने लगा, तो फटाफट से मैं इसे ये बाय कर लेता हूँ। नाउ गाइस हमारा पूरा डायमंड का आर्मर और सभी डायमंड के टूल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसे करने में लिटरली काफी ज्यादा टाइम लग गया। एंड साथ ही भाई ने विलेजर से कुछ एन्चेंटेड बो भी बाय कर ली थी। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा डायमंड का आर्मर टूल्स रेडी हो चुका है, जिसे ऑब्टेन करके लिटरली काफी ज्यादा मजा आ गया। और ये शेडर में ग्रीन क्यों लग रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता है, हो सके तो इसे इग्नोर करना। तो गाइस हमारे आर्मर एंड टूल्स के ऊपर एकदम घटिया से एन्चेंटमेंट लगी हुई है, तो अभी हमें मेंडिंग, लूटिंग, प्रोटेक्शन और साथ ही साथ कई सारी बुक को बाय करना है। तो एक काम करता है फटाफट से इसको करने का काम शुरू करते हैं। नाउ गाइस अभी आप देख सकते हो कि हमने काफी सारी बुक को बाय कर लिया है। कुछ बुक तो हमें जल्दी मिल गई थी, बट कुछ को मिलने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो एक काम करते हैं फटाफट से इस पूरे को अपने आर्मर में टूल्स पे लगा लेते हैं।
एंड अभी आप देख सकते हो कि अपने पूरे आर्मर के ऊपर कितनी ओपी एंचेंटमेंट आ चुकी है। देन फिर भाई के पास एक्सपी नहीं होती है तो मैं उनकी कुछ बो को कंबाइन करता हूँ। नाउ अब हम एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और साथ ही में हम वेदर को भी वहीं पे मारने वाले हैं। तो अभी हम आ जाते हैं नेदर के अंदर फोर्ट्रेस में जाकर वेदर हेड को कलेक्ट करने के लिए। एंड हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपनी स्वॉर्ड के अंदर लूटिंग 3 की बुक लगा रखी है जिससे कि वेदर हेड कलेक्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फटाफट से हम दोबारा छत तोड़ के फोर्ट्रेस के अंदर आते हैं। फोर्ट्रेस के अंदर आते ही सबसे पहले हमें दो वेदर मिलते हैं तो हम इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। एंड हमारी किस्मत तो ऐसी थी कि हमें पता ही था कि शुरू में तो हमें नहीं मिलने वाला है, तो फटाफट से भाई और मैं मिलकर काफी सारे वेदर स्केलेटन को मारते हैं और बीच बीच में एक दूसरे को भी मारते हैं। एंड अब आप एक छोटा सा मॉन्टाज एंजॉय करो। अपना वेदर हेड कलेक्ट करने का काम ठीक से चल ही रहा था कि एक ब्लेज को मारते टाइम यहाँ पे एक एरो ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के भी लग जाता है और इसकी पूरी आर्मी मेरे पीछे पड़ जाती है। तो एरिया वगैरह ब्लॉक करके और भाई की थोड़ी सी हेल्प लेके मैं इनको आराम से मार देता हूँ। एंड उसके बाद हम कुछ और वेदर स्केलेटन को मारते हैं जिसकी वजह से मेरा गोल्ड का हेलमेट भी टूट जाता है, बट ये चीज मुझे पता नहीं होती है। एंड मैं जैसे ही बाहर आता हूँ पिगलिन की फौज मुझे मारने लग जाती है। देन भाई से गोल्ड लेने के बाद फटाफट से मैं गोल्ड का हेलमेट बना लेता हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 4 वेदर हेड हो चुके हैं जबकि हमें स्पॉन करने के लिए सिर्फ 3 की जरूरत है। भाई अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स से कुछ क्रिम्सन फॉरेस्ट की ग्रास को इकट्ठा करते हैं और मैं यहाँ पे कुछ रूमलाइट को इकट्ठा कर लेता हूँ। देन अपने बेस के ऊपर आके चेस्ट के अंदर अपनी सारी इन्वेंट्री को खाली करते हैं एंड दोबारा से आ जाते हैं नेदर के अंदर वॉल्फ फॉरेस्ट की बायोम को ढूंढने के लिए। काफी देर तक आगे बढ़ते हुए सामने मेरे को बेशियन दिख गई थी तो भाई और मैं फटाफट से बेशियन की तरफ निकल जाते हैं। आगे जाकर हमें पता चलता है कि उसी के पीछे एक वॉ फॉरेस्ट वाली बायोम भी है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले भाई सिल्क टच से ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे कुछ वॉ फॉरेस्ट वाली सैपलिंग को कलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद भाई कहते हैं लगे हाथ बेशियन में भी डाका डाल ही देना चाहिए। यहाँ पर आते सबसे पहले हम बो एरो की मदद से काफी सारे पिगलिन ब्रूट को मारते हैं। देन मैं जैसे ही यहाँ पर रखी हुई चेस्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पर मेरे ऊपर 2 ब्रूट अटैक कर देते हैं। और मैं यहाँ पे हड़बड़ी में इधर उधर ब्लॉक प्लेस करने लग गया था, वो तो मैं एक हार्ट पे बच जाता हूँ। देन उसके बाद हम बेशियन में घूम रहे कुछ और ब्रूट को मारते हैं। देन फिर फाइनली हमें इनका खजाना भी दिख जाता है तो फटाफट से भाई और मैं यहाँ पर आते हैं और इसको लूटना शुरू कर देते हैं। पूरे खजाने को सफा चट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और पिगलिन को मारते हैं। देन वापस निकलते हुए हमें यहाँ पे कुछ चेस्ट भी दिखती है जिसके अंदर 2 एंशेंट एवरीज थी और साथ ही साथ कुछ गोल्ड भी था। दूसरी चेस्ट के अंदर से हमें गोल्ड और डायमंड की पिकेक्स मिल जाती है जिसपे फॉर्चून 2 लगी हुई थी। देन फटाफट से हम टाइम वेस्ट किए बिना पोर्टल पे आ जाते हैं। नाउ गाइस, अब हम डिसाइड करते हैं कि हमारे जो पोर्टल के लेफ्ट राइट में 2 प्लेटफॉर्म बचे हुए हैं उन पे अपने नेदर की 2 बायोम बनानी चाहिए जिसका सारा सामान हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं एक तरफ वॉर्फ्ड वाली बायोम बनाता हूं तो दूसरी तरफ भाई क्रिम्सन वाली बायोम बनाते हैं। नाउ गाइस, अब हमारे दोनों बायोम बनके तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ हमने अपने नेदर पोर्टल वाले प्लेटफॉर्म पे भी कुछ पेड़ों को उगा दिया था जिससे देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस, अपना ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो जब तक मैं अपना दूसरा काम कर रहा था भाई नेदर में जाके एंडर पर कलेक्ट कर लेता है एंड साथ ही साथ उसे ब्लेज पाउडर से मिला के 14 आईओ फेंडर भी बना लेता है। देन फिर सबसे पहले लेटर से उड़ने के लिए हम कुछ रॉकेट बनाते हैं एंड अपना फाइट वगैरह करने के लिए सारी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अपनी सारी तैयारी कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी जैसी पहली आईओ फेंडर फेंकता हूं वो इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो हम फटाफट से बिना देरी किए इस डायरेक्शन में ब्रिजिंग करने लगते हैं। लगभग 200-250 ब्लॉक दूर आने के बाद फाइनली हमें सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिख रहा था एंड जैसे हम इधर आते हैं यहाँ पर एक पोर्टल होता है, बट सबसे मेन चीज तो ये थी कि ये पूरा पोर्टल एक्टिवेटेड था और हम जो इतनी सारी आईओ फेंडर लेके आए वो बर्बाद हो गई। तो बिना एक भी सेकंड लगाए हुए मैं इसको वॉइड में फेंक देता हूँ। देन उसके बाद भाई और मैं पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले तो अपना टारगेट होने वाला है काफी सारी एंडरपल को कलेक्ट करना, तो भाई और मैं फटाफट से यहाँ पर एक एरिया बना के एंडरपल कलेक्ट करने लग जाते हैं। लूटिंग 3 की वजह से हमें काफी सारी एंडरपल मिल जाती है। वैसे हमारी अभी तक की नूब हरकतों की वजह से लग नहीं रहा है कि हम पे क्लच भी हो पाएगा। देन फिर भाई और मैं लग जाते हैं सभी एंड क्रिस्टल को फोड़ने के लिए। सभी क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैं इसको ऊपर से एरो मार रहा था और भाई इसको नीचे से बजा रहे थे। तो अब मेरा यहाँ पे गेम एंड हो चुका है। मेरे सारे सामान के साथ साथ मेरा पूरा आर्मर भी चले जाता है। ऐसा आपको लग रहा होगा, अपने आप को नूब बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि क्लच करना नहीं आता, क्या मतलब एक बार गलती से हो गया। देन भाई और मैं मिलके जब एंडर ड्रैगन को मार रहे थे तो वो मेरे को उछाल देता है एंड तभी भाई उसको मार के यहाँ पे एंड को फ्री कर देते हैं। एंड अभी एंडर ड्रैगन भी हम दोनों के सामने नहीं टिक पाया।
देन मैं यहाँ पे जैसे ही एक्सपी कलेक्ट करने आता हूँ, यहाँ पर एक भी नहीं होती है। मुझे पता चलता है कि भाई ने पहले सारी एक्सपी लपेट ली है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे ड्रैगन एग ले लेता हूँ। देन फिर यहाँ पे भाई वेदर को मारने के लिए किलिंग रूम बनाते हैं। देन फिर मैं भाई को भी ड्रैगन एग देता हूँ, जिससे उनको भी एडवांसमेंट मिल सके। देन फिर मैं यहाँ पे वेदर को स्पॉन करने के लिए सोल सैंड और ऑब्सीडियन लगाता हूँ। एंड फाइनली तीनों हेड लगाने के बाद अपना वेदर भी स्पॉन हो चुका है। अब क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ट्रैप कर दिया था, तो हम दोनों मिलकर इसकी अच्छे से कुटाई करते हैं। नाउ इसके मरते ही फाइनली हमें नेदर स्टार भी मिल चुका था। अब क्योंकि मेरे पास एक विदर हेड बचा हुआ था, तो मैं उसको यहाँ पे इसकी समाधि के रूप में लगा देता हूँ। अगर हमारे पास दो और होते तो हम यहाँ पर एक और विदर को मारते। नाउ अब टाइम आ चुका है इलेक्ट्रा लेने के लिए एंड सिटी में जाने का। तो भाई और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एंडर पर कलेक्ट करते हैं, तो अब हम इलेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। देन फटाफट से हम बिना देरी की वो एंड सिटी में आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही सबसे पहले हम अपना एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर देते हैं, बट हमारी किस्मत यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी होगी तो हमने सोचा ही नहीं था। हमें अपने पोर्टल के थोड़ा सा आगे अपनी पहली एंड सिटी मिल जाती है, और खास बात यह है कि यहाँ पर शिप भी था। यहाँ पर आने के लिए हम पर्ल यूज करते हैं और शेल्कर को मारना शुरू कर देते हैं। देन फिर शेल्कर हमें मारना शुरू कर देता है। थोड़े बहुत शेल्कर मारते हुए भाई और मैं ऊपर आ जाते हैं। एंड ऊपर आधी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दो चेस्ट दिखती है, जिसमें से कुछ डायमंड के आर्मर और डायमंड के साथ साथ काफी सारे डायमंड के टूल्स भी थे। मैं यहाँ पर जब तक सब कुछ लूट रहा था, भाई मुझे एक शेल्कर बॉक्स बना के देते हैं, तो मैं अपना सारा मेन सामान उसके अंदर रख देता हूँ। और यहाँ पर हमें शिप पे पहुंचते काफी सारी दिक्कतें हुई। यहाँ पर हमें सभी शेल्करों को मार के ऊपर जाना पड़ रहा था, तो फाइनली पर्ल का यूज करके मैं शिप के ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पर अंदर आने के बाद सबसे पहले भाई और मैं कुछ शेल्कर को मारते हैं। चेस्ट को ओपन करते ही मेरे को इस वर्ल्ड का पहला आर्मर ट्रिम और कुछ गोल्ड मिल जाता है। एंड उसके बाद मैं बिना देरी किए हमारी पहली लाइटर ऑब्टेन करता हूँ। देन उसके बाद भाई मेरे को बोलते हैं यहाँ पे लगे हाँ ड्रैगन हेड को भी ले लेते हैं। तो फटाफट से ऐसे हम दोनों छलांग लगा के नीचे आ जाते हैं। देन उसके बाद निकल जाते हैं हम कुछ हॉरन सिटी को लूटने के लिए। तो अब हम फास्ट ट्रैवल करने के लिए अपनी पर्ल वाली ट्रिक का यूज करते हैं। तभी भाई मुझे बताता है कि हमारे पास तो इलाइट्रा भी है एंड हम फालतू में ही पैदल चल रहे हैं। तो फटाफट से मैं अपनी इलाइट्रा को पहन लेता हूं एंड शेल्कर बॉक्स में से अपने बनाए हुए रॉकेट को भी निकाल लेता हूं। और मैं अपनी पहली उड़ान भरते ही यहां पे टकरा जाता हूं। हां मुझे अच्छे से इलाइट्रा उड़ान नहीं आती है एंड एक दो ट्राई के बाद मैं इसको थोड़ा बहुत ठीक से उड़ाना सीख जाता हूं। और मैं लग जाता हूं एक डायरेक्शन में अपनी दूसरी एंड सिटी को ढूंढने के लिए। एंड साथ ही साथ भाई दूसरी डायरेक्शन में पैदल जा रहे थे। गाइस अभी आप देख सकते हो कि मेरी इलाइट्रा टूटने वाली है, और इतने हजारों ब्लॉक ट्रैवल करने के बाद भी मेरे को एक भी एंड सिटी नहीं मिली है। एंड तभी भाई मुझे बताता है कि उनको सिर्फ पैदल चलते हुए दो तीन एंड सिटी मिल चुकी थी। एंड अभी वो जिस एंड सिटी में है वहाँ पे शिप भी है, तो मैं फटाफट से पॉल वगैरह का यूज करके उनके दिए हुए कॉर्ड्स पे जाने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पर आती मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि एंड सिटी काफी ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो मैं कुछ शेल्कर को मारता हूँ एंड अपने शिप के ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ पे पर्ल का यूज कर रहा था। तभी भाई मुझे याद दिलाता है कि इलाइट्रा से उड़ के आ जाओ। देन मैं इलाइट्रा से उड़ान भरते हुए यहाँ पर एक ठीक ठाक सी लैंडिंग करता हूँ। शिप के अंदर आके सबसे पहले तो हम कुछ शेल्कर को मारते हैं एंड यहाँ की इलाइट्रा ऑब्टेन करने के बाद चेस्ट के अंदर से हमें एक और आर्मर ट्रिम मिल जाता है। एंड साथ ही साथ दूसरी चेस्ट के अंदर कुछ डायमंड भी थे। यहाँ की इलाइट्रा ऑब्टेन करने के बाद भाई यहाँ के ड्रैगन हेड को भी ले लेते हैं। नाउ हमारे यहाँ दो इलाइट्रा कलेक्ट करने का मुश्किल काम भी कम्प्लीट हुआ, और इसी खुशी में हम यहाँ पे कुछ पटाखे फोड़ते हैं। देन फिर हम यहाँ से एक पर्ल वाली एमएलजी करते हैं एंड उसके बाद अपने बेस पे जाने के पोर्टल पे आ जाते हैं। तो गाइस अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी हमारा एक लास्ट बड़ा सा टारगेट बचा है, मेरे और भाई के रहने के लिए काफी ज्यादा बड़े से हाउस को बनाना। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमें सभी एंड सिटी के अंदर से ये सारी लूट मिली है। अपने ड्रैगन एग और नेदर स्टार के साथ साथ हमने सारा कीमती सामान इधर रख दिया है। अब क्योंकि हमें अपना फुल्ली मैक्स बीकन बनाना है, तो उसके लिए मैं काफी दिनों तक अपने आयरन फार्म पे एफके करता हूँ। एंड उसके बाद भाई और मैं यहाँ पे मेगा कॉबल स्टोन जनरेटर बना के काफी सारे स्टोन को इकट्ठा करते हैं। अब क्योंकि मेरी लाइटर टूट चुकी थी, इसलिए मैं इसको हील करने के लिए काफी ज्यादा मॉब को मारता हूँ। एंड काफी देर के बाद मुझे रियलाइज होता है कि इसके अंदर तो मैंने मेंडिंग ही नहीं लगाई है। देखो बड़े बड़े बेस पे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो मैं फटाफट से विलेजर से एक मेंडिंग की बुक को बाय करता हूँ एंड इसे अपनी लाइटर में लगाने के बाद फटाफट से इसको हील करना शुरू कर देता हूँ। अब क्योंकि अपने हाउस के आसपास के फार्म को बनाने के लिए हमें डर्ट की भी जरूरत थी, तो फटाफट से भाई और मैं यहाँ पे कोरस डर्ट को नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट करते हैं। और अभी हमने बीच में से हटा के अपना सारा सामान यहाँ पे साइड में शिफ्ट कर दिया है एंड अपने हाउस को बनाने के लिए सारा मटेरियल कलेक्ट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। आप लोग सिनेमैटिक में एंजॉय करो। Thank you.
नाउ अब अपना पूरा बड़ा सा हाउस बनके तैयार हो चुका है एंड अब अपना एक लास्ट काम बचा हुआ है अपने फुल्ली मैक्स बीकन को बनाना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन से ग्लास को बाय कर लेता हूँ एंड अपने आयरन फार्म पे आके सारे आयरन को ले लेता हूँ और साथ ही साथ मैं इन सभी आयरन को आयरन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ अभी आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट फ्लोर कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। नाउ जो भी हो भाई ने डेकोरेशन तो काफी ज्यादा अच्छी करी है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम अपने आर्मर के ऊपर आर्मर ट्रिम भी लगाएंगे, तो मेरे को एंशिएंट सिटी से जितने भी डायमंड मिलते हैं उससे मैं अपने आर्मर ट्रिम को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देन फटाफट से मैं अपने और भाई के डायमंड के आर्मर के ऊपर ट्रिम को लगा देता हूँ। नाउ अभी आप देख सकते हो कि हम आर्मर ट्रिम लगाने के बाद नई नवेली दुल्हन दूल्हे की तरह सज चुके हैं। नाउ अभी हमारा एक लास्ट काम बचा हुआ है अपने एक फुल्ली मैक्स बीकन को बनाने का, और इसे बनाने के लिए हम आयरन के साथ साथ एमरल्ड ब्लॉक का भी यूज करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने बीकन को बनाने का काम शुरू करते हैं एंड इसे हम अपने पोर्टल वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाने वाले हैं, क्योंकि पूरे बेस के ऊपर इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं बची है। नाउ भी हमारा बीकन भी बनकर तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर की दो लेयर हमने एमरल्ड ब्लॉक से बनाई है। एंड तभी भाई मुझे बताता है कि उन्होंने ट्रेडिंग हॉल के अंदर कुछ और भी एमरल्ड रखे हुए हैं, तो हम तीसरी लेयर को भी एमरल्ड से कवर कर देते हैं। नाउ अब हमारा प्यारा सा बीकन भी बनकर तैयार हो चुका है और इसमें लगे एक एक एमरल्ड को कमाने के लिए हमारा लिटरली पसीना निकल गया। एंड भाई तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उस चैलेंज के कम्प्लीट होने पर पटाखे फोड़ने लगते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आप इस पूरे हाउस को कितने नंबर दोगे 10 में से। अच्छा छोड़ो, इस पूरे बेस को 100 में से कितने नंबर दोगे। वैसे एग्जाम में तो 40 से ऊपर आई नहीं, होप कि यहाँ पे ज्यादा मिल जाए। तो फटाफट से अपने कमेंट करना मत भूलना। और गाइस लिटरली इस पूरे बड़े से बेस को बनाने के लिए काफी ज्यादा दिनों की मेहनत लग गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक जरूर से करते जाना। एंड अभी आप जो स्क्रीन पर 100 डेज की वीडियो देख रहे हो उसे भी बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो जाओ जाके फटाफट से इस वीडियो को भी देखो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।